आज हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट पाव भाजी बनाएंगे, जिसे मैंने सिर्फ 20 मिनट में कुकर में बना के तैयार किया है। तो चलिए शुरू करें। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 2 टेबल स्पून जितना तेल और 2 टेबल स्पून जितना बटर गरम करेंगे। फाइनली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो तब तक इसे भूनेंगे। प्याज भुन जाए फिर इसमें फाइनली चॉप किए हुए शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसे भी हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। एक टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। धीमी आंच पर टमाटर सॉफ्ट हो तब तक पकाएंगे। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे। एक टेबल स्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। कुकर में बनी हुई पाव भाजी इतनी टेस्टी बनती है कि इसे खा के कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इसे झटपट से कुकर में बनाया है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर कुछ इस तरह से कम्प्लीटली सॉफ्ट हो फिर हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून गाजर के टुकड़े ऐड करेंगे। 1/4 कप गोभी के टुकड़े ऐड करेंगे। 1/2 कप पीस और 4 टुकड़ों में कट किए हुए आलू ऐड करेंगे। एक छोटे बीट को कुछ इस तरह से कद्दूकस करके ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। कुकर की लेड बंद करके 7 से 8 विसल करवाएंगे। 7 से 8 विसल के बाद गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और कुकर का प्रेशर ठंडा करके लेड को ओपन करेंगे। पाव भाजी मैशर से सब्जियों को मैश कर लेंगे। सब्जियां अच्छी तरह से मैश हो गई है, इसे 7 से 8 मिनट तक फिर से पकाएंगे। नमक ऐड करेंगे। सब्जी हल्की सी गाढ़ी हो तब तक पकाएंगे। एक टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। पाव भाजी ऑलमोस्ट कुक हो गई है, इसे रेस्टोरेंट लुक और टेस्ट देने के लिए एक तड़का बनाएंगे, जिससे पाव भाजी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। एक पैन में 1 टीस्पून तेल और 1 टीस्पून जितना बटर गरम करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन की चटनी ऐड करेंगे। एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तड़का बनके तैयार है, इसे भाजी में ऐड करेंगे। दो टेबल स्पून जितना हरा धनिया ऐड करेंगे। हमारी ऑल टाइम फेवरेट पाव भाजी बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, तड़का ऐड करने से कितना बढ़िया कलर आया है। गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और पाव को रोस्ट कर लेंगे। जो पैन में हमने तड़का बनाया था उसी पैन में हल्का सा तेल और बटर गरम करेंगे। 1/4 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे। पाव रखेंगे, दोनों साइड से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। पाव रोस्ट होके तैयार है, इसे भाजी के साथ सर्व कर लेंगे।